हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने ये 9 नंबर की सिलाई ली हुई है और ये कपड़े की पट्टी है। सबसे पहले इससे हम इस पर 30 फंदे डाल लेंगे, इस पर नॉट लगाएंगे, फिर इस पर 30 फंदे डाल लेंगे। ये देखिए, ये नॉट से एक फंदा हो गया, फिर ये देखिए इस तरह से करके 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इस पे 30 फंदे डाल लेंगे। ये देखें, हमने ये टोटल 30 फंदे 30 फंदे हमने ये डाल लिए हैं। अब हम यहीं से इसको डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमें यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए फंदा कैसे बढ़ाएंगे, इस पट्टी को इस तरह से सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए ये देखिए इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे। बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। मैंने इसमें साड़ी की 1-1 इंच की पट्टी काट रखी है। ये देखिए, आप इसे चुन्नी, माइक्रेम या ऊन से भी बना सकते हैं। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई थोड़ा आराम से निकालते हैं। ये देखिए, सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लिया है, पूरी सिलाई ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, अब ये यहाँ से एक एक फंदा हर बार छोड़ते जाएंगे। ये देखिए, इस फंदे को हम नहीं बुनेंगे, यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए, सीधे साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसमें फंदा छोड़ना और बढ़ाना या घटाना जो भी करना है वो उल्टे साइड से करना है, सीधे साइड से कुछ भी नहीं करना है, एक साइड से ही करना है हमें। ये देखिए, ये देखिए, जो हमने ये फंदा बढ़ाया था उसको भी ये देखिए ऐसे उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, एक फंदा हमने उस बार यहाँ से बढ़ाया था और यहाँ से एक फंदा छोड़ दिया था। अब देखिए, यहाँ से फिर दोबारा वैसे ही फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरह से घुमाते हुए पट्टी को, ये देखिए इस पट्टी को सिलाई पे इस तरह से घुमाते हुए फंदा बढ़ा लेंगे। तो एक फंदा उस बार बढ़ा था और एक फंदा इस बार फिर बढ़ गया, और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और यहाँ पर जैसे उस बार एक फंदा छोड़ा था, एक फंदा और छोड़ देंगे यहाँ से। फ्रेंड्स, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको ये पायदान बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सब पहले मिल सके। ये देखें, ये देखिए, उस बार हमने एक फंदा छोड़ा था, अब इस बार एक और फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से जैसे हमने 2 फंदे इधर बढ़ाए हैं, 2 और बढ़ा लेंगे, और ये जैसे 2 फंदे छोड़े हैं, 2 और छोड़ लेंगे। इतना बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, और इस साइड से कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 4 फंदे इधर बढ़ा लिए हैं एक एक करके, और 4 फंदे हमने 1, 2, 3, 4 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं। अब ये देखिए, जैसे हमने फंदे बढ़ाए हैं वैसे अब हम यहाँ से फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए, शुरू के ये 2 फंदे लेकर के एक साथ बुन देंगे,
ये देखिए, तो ये एक फंदा घट गया, बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और यहाँ पे हमने जैसे जैसे ये फंदे छोड़े हैं एक एक फंदा, वैसे ही यहाँ पे एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे, और जैसे हमने बढ़ाया है वैसे ही यहाँ पे एक एक फंदा घटाते जाएंगे। अभी पूरी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। ये देखिए, दो एक दो तीन चार, चार हमने पहले छोड़े थे जब यहाँ पे एक एक फंदे बढ़ाए थे, अब ये पांचवा। अब यहाँ से एक 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 फंदा हम घटाना शुरू किए हैं, तो अब ये पांचवा, चार फंदे में अब एक एक करके चार फंदा यहाँ पे छोड़ेंगे और चार फंदा यहाँ पे कम कर देंगे। अब यहीं से पलट जाएंगे, इधर से ये चार फंदे में तो फंदा बढ़ेगा, जैसे ये चार फंदे जब छोड़ेंगे तो यहाँ से ये चार फंदा बढ़ गया, और अब ये चार फंदे एक एक करके छोड़ेंगे तो ये चार फंदे यहाँ से घट जाएंगे, बाकी इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे उल्टा बुन करके पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे हमने पहली बार एक फंदा घटाया था, अब दोबारा फिर वैसे ही एक फंदा घटा देंगे। मैं एक बार और आपको दिखा दे रही हूँ कैसे फंदा घटाते हैं। ये देखिए, दो फंदे को एक साथ ले करके इसको बुन देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से पहली बार एक फंदा घटा था और एक इस बार और घट गया, तो इस तरह से दो फंदे घट गए, और वैसे ही यहाँ पे एक फंदा छोड़ देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे चार फंदा और छोड़ लेते हैं, और दो फंदे घट गए, दो और घटा लेते हैं। ये चार फंदे पूरे घटा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बना करके कंप्लीट कर दिया है। जैसे एक एक फंदा हमने इधर साइड बढ़ाए थे, वैसे एक एक फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए, दो दो चार, चार तो जब हमने यहाँ पे बढ़ाए थे चार फंदे, तो ये चार फंदे एक एक करके छोड़ दिए थे। अभी ये जो चार फंदे घटाए हैं, तो यहाँ पे ये दो दो चार, इस तरह से ये टोटल आठ फंदे छूट गए हैं। अब ये देखिए हमें कैसे बनाना है। पहला फंदा उतारेंगे, अब यहाँ पे भी हम यहाँ अलग तरीके से फंदा बढ़ाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेटते हुए बढ़ाया था, अब इस बार सिलाई के ऊपर नहीं लपेटेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे। फिर ये देखिए, एक बार ये बुन लिया, वापस पट्टी को अपने साइड कर लिया, फिर एक फंदा और इसमें बना लिया। ये देखिए, इस तरह से ये फंदा बढ़ गया है। बाकी सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, और जैसे हमने इसको बनाया तो यहाँ पे एक एक फंदा छोड़ा था, वैसे ही अब यहाँ से एक एक फंदा फिर छोड़ेंगे हम। देखिए, यहाँ से अब ये एक फंदा हम छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। आठ फंदा हमने पहले छोड़ा था, दो दो चार, दो छः, दो आठ, अभी हमने नौवा फंदा छोड़ दिया है। अब यहीं से पलट जाएंगे, इधर साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, इधर साइड से हमने पूरी सिलाई उल्टी बना करके कंप्लीट कर ली है। एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे फंदे बढ़ाते हैं। ये देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, फिर इस पट्टी को अपने साइड को नहीं करेंगे, अभी पीछे साइड रहेगी। ये देखिए, इसको ऐसे बना लिया, इस फंदे को उतारा नहीं, वापस पट्टी को अपने साइड कर लेंगे और इसी में एक फंदा और बुन लेंगे। तो इस तरह से पिछली बार एक फंदा बढ़ा था, अब एक फंदा और बढ़ गया, बाकी फंदों को हम उल्टा उल्टा इसी तरह से बुन लेंगे। इसी तरह बुन लेंगे और यहाँ पे एक फंदा हर बार यहाँ पे छोड़ते जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे ये चार फंदे छोड़ लेंगे और चार फंदे यहाँ पे बढ़ा लेंगे। इतना बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये चार फंदे बढ़ा लिए और यहाँ पे एक एक करके ये चार फंदे छोड़ दिए। ये देखिए, दो दो चार, दो छः, आठ फंदा तो हमने पहले छोड़े थे, अब ये देखिए दो और ये दो चार, ये चार फंदा हमने अब छोड़ दिए। आप देखिए, इससे भी आप काउंट कर सकते हो। ये देखिए, ये वन टू थ्री फोर, ये चार फंदे तक तो हमारे एक एक फंदे करके बढ़े थे, फिर वन टू थ्री फोर, चार फंदे तक, चार लाइन तक ये एक एक फंदे करके घटे हुए हैं। तो ये देखिए, इसके लिए हमने ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट लाइन हमने बना लिया। देखिए,
और फिर ऊपर इसका भी ये देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार लाइन ये बन गया और ये हमने चार फंदे बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ से वापस चार फंदे घटाएंगे, तो इसमें तो हमने जैसे कि यहाँ पे ये दो फंदे लेकर के यहाँ पे ऐसे बंद किया था इस तरह से, लेकिन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ये यहाँ पे देखिए हमने एक एक फंदे पहले स्टार्टिंग के हमने उतारे हैं, तो अब जब फंदा घटाएंगे तो जब भी ये पहला फंदा उतार लेंगे, फिर पट्टी को अपने साइड कर लिया, अब ये दो फंदे एक साथ करके बंद कर देंगे। ये देखिए ये दो फंदे हमने ले लिए, अब इनको ऐसे बुन करके ये देखिए एक हमने यहाँ पे घटा दिया, ये चार यहाँ पे बढ़ा हुआ था, 1 2 3 4, चार लाइन में ये चार बढ़ा हुआ था, अब यहाँ से हमने वापस वैसे जैसे ये चार बढ़ाए थे वैसे ही चार घटाना शुरू कर दिया। ये देखिए एक घट गया, बाकी फंदे और ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और इधर साइड से जैसे हमने एक एक फंदे करके ये चार फंदे छोड़े थे वैसे ही अब चार फंदे फिर छोड़ लेंगे, जैसे अभी अभी एक छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए इधर साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया है। वापस देखिए एक बार मैं और आपको यहाँ पे फंदा घटा के बता देती हूँ। पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड किया और ये दो फंदे ये देखिए ये दो फंदे एक साथ लेकर के बुन देंगे। ये देखिए तो इस तरह से दो फंदा घट गया, इस पहली बार एक फंदा घटा था और इस बार एक फंदा और घट गया, बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। लास्ट में यहाँ पे एक फंदा फिर छोड़ देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे एक फंदा और छोड़ देंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे और इस साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह से अब ये एक एक करके जैसे हमने दो फंदे घटाए दो फंदे और घटा लेंगे, यहाँ से चार फंदे घटा लेंगे और यहाँ पे जैसे दो फंदा अभी छोड़ा है ऐसे दो फंदा और छोड़ लेंगे, तो चार फंदे छोड़ लेंगे। अब इतना तक बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने ये चार फंदे बढ़ाए थे वैसे ही अभी ये चार फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं और यहाँ पे भी चार फंदे छोड़ दिए हैं, तो इस वजह से इस तरह से देखें आठ फंदे तो हमारे ये जो हमने बनाए थे इसके छूटे और आठ फंदे इसके छूट गए, तो इस तरह से देखें ये 16 फंदे छूट गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16। अब हमारे पास ये 14 फंदे बचे हुए हैं, 16 फंदे तो हमने छोड़ लिए, आठ ये बनाया इसका छोड़ दिया और आठ फंदे इसका, अब ये 14 फंदे हमारे पास रह गए हैं। तो ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 14 फंदे रह गए हैं। अब इनको देखिए यहाँ तक तो हमने ये एक एक फंदे छोड़े थे, अब हम यहाँ से दो दो फंदे छोड़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये जो है हमने सलाई पे पट्टी को घुमाते हुए बढ़ाया था और पहले फंदे से घटाया था, तो ये देखिए ये ऐसे तिरछा बन करके तैयार हुआ है और ये पहला फंदा उतार करके जब हमने बढ़ाया और पहला फंदा उतारते हुए घटाया तो ये देखिए ये राउंड शेप में आया हुआ है। अब वापस जैसे हमने ये बनाया है वैसा ही बनाएंगे फिर वापस, तो ये 14 फंदे दो दो करके 7 बार ये छूटेंगे और 7 फंदे हमने इधर से बढ़ाने हैं। तो वापस देखिए कैसे बढ़ाते हैं, जैसे हमने इसमें बढ़ाया था फंदा वैसे ही हमें इनमें भी फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए इस तरह से पट्टी को घुमाते हुए ऐसे बुन लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया है। बाकी के फंदों को ये देखिए उल्टा उल्टा बुन लेंगे और लास्ट में यहाँ पे दो फंदे छोड़ देंगे।
16 फंदे तक एक एक फंदा करके छोड़ना था। अब ये देखिए यहाँ से हम दो दो फंदा करके छोड़ेंगे। ये देखिए यहीं से पलट जाएंगे, ये दो फंदा हमने छोड़ दिए और इस साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए ये देखिए, फिर यहाँ पे इस तरह से ही पट्टी को सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए, ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए अब ये देखिए दो फंदा हमने उस बार छोड़ा था, दो फंदा इस बार फिर छोड़ दिया। इसी तरह से हमने देखिए 16 फंदे तो हमने एक एक करके छोड़े हैं, बाकी 14 फंदे दो दो करके इस तरह से छोड़ लेंगे। तो जितना हमने 30 फंदे डाले हैं यानी 30 फंदे जो भी डाले हैं वो उतने सारे फंदे हमें छोड़ने हैं। जो ये 7 फंदा ऊपर बढ़ा रहेगा सिर्फ उसे नहीं छोड़ना है, बाकी सभी फंदों को छोड़ना है। तो अब ये सभी फंदे हम छोड़ लेते हैं दो दो करके और यहाँ पर 7 फंदे बढ़ा लेते हैं जैसे हमने अभी बताया। ऐसे बढ़ाने के लिए इतना बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे फंदे जो यहाँ से हमने 30 फंदे डाले थे, 30 फंदे वो सभी फंदों को इनको हमने बढ़ा दिए, छोड़ दिया है और ये 7 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14, 16, ये 16 फंदे तो हमने एक एक करके छोड़े थे। फिर ये देखिए 16, 2, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30 फंदे तक हमने ये पूरे छोड़ दिए हैं। 16 फंदे तक हमने एक एक फंदा छोड़ा था, फिर उसके बाद 14 फंदे हमने दो दो करके छोड़ दिए हैं। ये देखिए 2, 2, 4, 2, 2, 6, 1, 7, 7 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो ये जो 7 फंदे बढ़े हैं इनको सिर्फ हमने नहीं छोड़े हैं, जितने फंदे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में डाले हुए थे उन सभी फंदों को हमने छोड़ लिए हैं। अब ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाया है, अब वापस वैसे ही हमें एक एक फंदा यहाँ पे घटाना है। तो ये देखिए, क्योंकि ये हमने पहले फंदे से यहाँ पे बढ़ाया है तो इस वजह से हम यहाँ पे पहले फंदे से ही घटाना शुरू करेंगे। ये देखिए 2 का 1 कर लिया हमने, एक फंदा घट गया। वापस जो बढ़े हुए फंदे हैं उनको बुन लेंगे। ये देखिए, अब जैसे जैसे हमने यहाँ पे फंदे छोड़े हैं वैसे वैसे हर बार फंदे लेते जाएंगे। तो यहाँ अभी हमने ये 14 फंदे तक दो दो फंदे छोड़े हैं, तो अब ये दो दो फंदे हर बार लेते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे गैप ख़त्म करने के लिए यहाँ से फंदा उठा करके इस फंदे के साथ बुन लेंगे। ये देखिए एक फंदा मैंने उठा लिया है, इस फंदे के साथ इसको बुन लेंगे तो ये गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने दो फंदे छोड़े थे तो ये दो फंदे बुन लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए इस साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे बस। ये देखिए जैसे हमने एक एक फंदे बढ़ाए थे यहाँ पे वैसे एक एक फंदे घटाते जाएंगे। ये देखिए ये दो फंदे एक साथ ले लेंगे और इसको इस तरह से बुन करके ये देखिए घटा देंगे। ये देखिए वापस फिर ये दो फंदे ले लेंगे। जैसे जैसे हमने हर बार छोड़े थे वैसे वैसे ही अब हर बार ये फंदे लेते जाएंगे। अगर इसको ऐसे बुनेंगे तो यहाँ पे गैप आ जाएगा, तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा यहाँ पे उठा करके इसके साथ में बुन लेंगे। ये देखिए फिर एक फंदा और बुन लिया और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से ये जो हमने 14 फंदे छोड़े हैं इन सबको
दो दो करके हर बार लेते जाएंगे और यहाँ से एक एक फंदे छोड़ते जाएंगे। ऐसे ये सभी सात फंदे जो हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं, सातों फंदे, ये सात फंदे घटा लेते हैं और ये सभी दो दो करके जितने फंदे हमने छोड़े हैं इनको ले लेते हैं। इतना बनाने के बाद फिर आपको दिखाते हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो सात फंदे बढ़ाए थे ये इन सारे फंदों को हमने घटा दिया है। अब ये लास्ट में ये दो फंदा और रह गया है, इसको भी देखिए इसी तरह से ये गैप ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठा करके इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए दो दो करके हमने जितने फंदे छोड़े थे उन सभी फंदों को हमने ले लिया है और ये जो सात फंदे बढ़े हुए थे इन सात तो फंदों को हमने घटा दिया है। अब देखिए यहीं से वापस पलट जाएंगे। ये देखिए ये पूरी लाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए हाफ कली तो यहाँ तक बन करके तैयार हो गई थी लेकिन इसका हमने ये पूरा कर दिया है। तो अब वापस ये तो पूरा हो गया, अब जैसे ये बना हुआ है ये और ये दोनों, फिर इसके बाद में जैसे ये इधर बना हुआ है इसके उस साइड भी वैसे ही बनाएंगे। तो अब देखिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए पहला फंदा उतारेंगे, ये देखिए, फिर वापस इस फंदे से फंदा बढ़ाएंगे। इस पट्टी को अपने साइड नहीं किया है, पहले इसको एक फंदा बुन लेंगे, फंदे को उतारेंगे नहीं, वापस पट्टी को अपने साइड करके ये देखिए और बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, इसमें एक फंदे के बाद जो ये हमने कली बनाई है यहाँ पर, क्योंकि ये इस तरह से राउंड शेप आएगा तो इसके लिए पहला फंदा उतार करके बढ़ाएंगे और घटाना होगा तो ये पहला फंदा उतार करके ही घटाएंगे। और ये जो बनाया है हमने और इधर स्टार्टिंग में पहला जो बनाया है इसमें पहले फंदे से ही हमें बढ़ाना है, पट्टी को जो है कि सिलाई के ऊपर घुमाते हुए फंदा बढ़ाना है और पहले फंदे से इसको घटाना है। ये देखिए जैसे अब तक तो हमने जो दो दो फंदे छोड़े थे तो दो दो फंदे करके लिए थे, अब जो हमने ये बनाए और ये दोनों बनाए थे तो इनमें हमने एक एक फंदे छोड़े थे तो अब इनमें एक एक फंदे ही लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से एक एक फंदे ही लेंगे। ये देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए ये फंदा यहाँ पे उठा लिया और इन दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे। अब यहाँ से हमें एक एक फंदा लेना है, दो दो फंदे नहीं लेने हैं क्योंकि यहाँ से जब हमने ये और ये दोनों बनाए तो एक एक फंदे ही हमने छोड़े थे। तो अब यहाँ से अब हमने यहाँ पे भी एक फंदे ले लिए, बाकी ये जितने फंदे एक एक फंदे करके ही लेंगे। इसी तरह से ये पूरी कली बना करके कंप्लीट कर लेते हैं, ये और ये दोनों बना करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक कली पूरी बन करके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए जैसे हमने इस साइड बनाया था ये बीच का हो गया, जैसे इस साइड बनाया वैसा ही इस साइड भी बन गया है। आप चाहो तो एक कलर से भी पूरा बना सकते हो। अब इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे, या तो आप सभी जितनी भी ये कली है आप अलग अलग कलर से भी बना सकते हो। तो मैं इसको दो कलर से बना रही हूँ, तो ये कली हमारी ये बन करके तैयार हो गई। अब यहाँ से हम दूसरे कलर की पट्टी लगाएंगे। ये देखिए अब यहाँ से ये हम दूसरे कलर की पट्टी लगा रहे हैं। ये देखिए अब इस पट्टी को इस पट्टी के बीच में ले लेंगे, इसको इसके बीच में इस तरह से लपेट लेंगे, फिर इसका जॉइंट का पता नहीं चलता है। ये देखिए इसी तरह से ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए पूरी उल्टी सिलाई बना करके हमने कंप्लीट कर ली है। अब वापस जैसे हमने यहाँ पे ये यहाँ से फंदा बढ़ाना स्टार्ट किया था ये वैसे ही अब यहाँ पे भी बनाएंगे। ये देखिए सिलाई पे लपेटते हुए पहला फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए पट्टी को हमने सिलाई पर लपेटते हुए पहला फंदा बढ़ा लिया है, बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा इसी तरह से बना लेंगे। ये पूरी सिलाई इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए ये पूरी सिलाई हमने ऐसे उल्टी उल्टी बना ली है। लास्ट में जैसे उस बार हमने एक एक फंदा छोड़ा था, अब यहाँ पे एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे और यहीं से पलट जाएंगे और इस साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से हम टोटल 4 कली बना करके कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से जैसे ये कली बनी हुई है, इसी तरह की 4 कली, 2 इस कलर से और 2 इस कलर से बना करके कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको दिखाएंगे कि आगे कैसे सिलाई करना है, तो फिर हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमने चारों कली बना करके तैयार कर लिया। देखिए ये 1 2 3 4 ये चारों कली बन करके तैयार हो गई है। अब ये लास्ट में फंदे कैसे बंद करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये पूरी कली बन गई है। अब ये देखिए दो इस तरह से दो फंदे में से लेते हुए दो का एक करते हुए इस तरह से ये देखिए फंदे को बंद कर देंगे। फिर वापस सिलाई में डाल देंगे। आगे से एक फंदा और ले लिया ये देखिए, और फिर दोनों को इस तरह से बंद कर दिया। फिर वापस सिलाई में डाला ये देखिए, वापस इसको डाला, आगे से एक फंदा लिया, फिर दोनों को एक साथ बुन दिया। देखिए इसी तरह से ये सभी फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स हमने सभी फंदों को बंद कर दिया है, जितने भी फंदे थे। अब ये लास्ट में इस फंदे के बीच से इस पट्टी को निकाल करके ये देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से टाइट कर देंगे और फिर इस पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ये पूरा बन गया है, इसमें कहीं भी देखिए सिलाई नहीं लगी है। लास्ट में अब यहाँ पे इसको एक दूसरे से ज्वाइंट कर देंगे, तो इसको इस तरह से उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने इसके लिए ये बड़ी सुई ली हुई है और ऊन लिया है। आप ऊन या मोटे धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पतले धागे से सिलाई टूट जाएगी। तो ये ऊन भी हमारी थोड़ी पतली है, तो इस वजह से हमने इसको डबल कर लिया है। अगर मोटी ऊन है तो आप सिंगल भी इसको सिल सकते हो। अब ये देखिए यहाँ से दोनों को आपस में पकड़ के टांका लगा देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसमें नॉट लगा दिया है। अब इस तरह से देखिए दोनों को यहाँ से इस तरह से एक एक फंदा दोनों में से लेते हुए इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब इसी तरह यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलाई लगा लेते हैं इसका। देखिए फ्रेंड्स ये पूरा पायदान बन करके कंप्लीट हो गया है। देखिए ये 4 कली का देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। 30 फंदे का भी ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है, आप इससे भी बड़ा बनाना चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो। ये देखिए आपको ये पायदान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएँ। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।